Hello everyone, now we will be learning today networking protocols. So now what are networking protocols? Protocol means एक set of rules, एक set of standards जिसको सब follow करेंगे ताकि एक same synchronization रहे और proper understanding हो. ठीक है, अगर हम proper protocol नहीं follow करेंगे तो what will happen? It will mess out the information, it will mess out the data और proper communication नहीं establish होगा या proper communication complete नहीं होगा. Okay, so network के अंदर जब हम data transmit या receive करते हैं so we need to follow certain protocols. Okay, so now what are those protocols? A protocol is a special set of rules that endpoints in a telecommunication connection used when communicate use when they communicate protocols specify interaction between communicate entities. Protocol exists at several levels इन द टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन. तो जितने भी 7 लेवल्स हैं उसमें मैंने जो आपको पहले OSI मॉडल में शेयर किया है 7 लेवल्स के बारे में, वहां पे हर लेवल के रिलेटेड कोई ना कोई प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स और कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे. वन इज द मोस्ट कॉमन वन इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP. ओके, नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP. नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP. देन इज टेलनेट, गोफर एंड वॉइस. व्हाट इज वॉइस? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेस. ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है TCP/IP, ये प्रोटोकॉल जो है व्हाट इट डज, TCP/IP इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स और रूल्स दैट गवर्न द वे डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनादर अक्रॉस नेटवर्क्स. ठीक है, दे विल गाइड how the data will travel on the network. The internet is based on TCP/IP. So TCP/IP has two major components. एक होता है TCP, दूसरा होता है IP. तो TCP ये component क्या करता है? Transmission control protocol ये काम क्या करता है? ठीक है, पहला काम है उसका break the data into packets that network can handle efficiently. जैसे imagine करो आपका 1 MB का डेटा है या 10 MB का डेटा है, तो उस 10 MB के डेटा को एक साथ में वो ट्रेवल नहीं कर सकता. ठीक है, इतना बड़ा 10 MB का पैकेट एक साथ में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसको क्या किया जाता है, नेटवर्क जितना हैंडल कर सकता है उतने छोटे छोटे पैकेट्स में उसको दिया जाता है. इमेजिन करो जैसे एक ट्रक है उसमें बहुत सारे ईटे रखी हुई है. ठीक है, और एक बंदे को बोला कि तुम एक ट्रक की ईटे दूसरे जगह ट्रांसफर करो, तो क्या होगा? इज इट फिजिबल फॉर दैट पर्सन टू ट्रांसफर दैट कंप्लीट बंच ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर? इट इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. सो वॉट हैपन्स, वो पूरे ट्रक के ब्रिक्स को कन्वर्ट किया जाता है एक ब्लॉक ऑफ सर्टन ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक्स में. ठीक है, सो दैट दे कैन बी हैंडल्ड एफिशियंटली. देन पूरे के पूरे ब्रिक्स फ्रॉम ट्रक टू वेयर सो एवर दे आर टू बी ट्रांसफर्ड, इट इज चेक कि सारे के सारे ब्रिक्स आ गए क्या.
So it verifies whether all packets have arrived at their destination, and after arranging, after arriving at the destination, arrangement of data is done as if जैसे वो ट्रक में रखी हुई थी ब्रिक्स, एग्जैक्टली वैसी ही ब्रिक्स उसी फॉर्म में आपके डेस्टिनेशन पे वो दिखाई देगी. सो इट रीअसेंबल्स द डेटा. सो टीसीपी वर्क्स ऑन दीज थ्री स्टेप्स. फर्स्ट, ब्रेक डेटा इनटू पैकेट्स दैट वर्क दैट नेटवर्क कैन हैंडल एफिशिएंटली. सेकेंड, वेरीफाइज वेदर ऑल पैकेट्स हैव अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन. Third, it reassembles the data. Then what IP does? It envelopes and addresses the data. Okay. It enables the network to read the envelope and forward the data to its destination. Third, it defines how much data can fit into a packet. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल तीन काम करता है. पहला, इट एनवलप्स द इट कवर्स द डेटा विद अ एड्रेस. ठीक है, अटैचेस अ एड्रेस टू इट. और जो नेटवर्क है उसको एनेबल करता है कि उस नेटवर्क ने वो एड्रेस को रीड करके अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करना टू इट्स डेस्टिनेशन. एंड देन एक पैकेट के अंदर कितना डेटा रह सकता है वो भी वो डिफाइन करता है. ठीक है, सो दिस इज टीसीपी आईपी. ओके, नेक्स्ट है एफटीपी प्रोटोकॉल, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एफटीपी प्रोटोकॉल FTP प्रोटोकॉल क्या करता है? इट इज अ पार्ट ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, यू कैन से. एंड इट इज द प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स जो हमको हेल्प करता है टू ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के बीच में अगर मुझे फाइल शेयर करना है नेटवर्क के अंदर, तो उस समय मुझे HTTP प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, उस समय मुझे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगेगा, दैट इज FTP. FTP इज पावरफुल टूल दैट अलाउज फाइल्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी और वाइस वर्सा. ओके, सो FTP वर्क्स ऑन यू कैन से क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल. तो जो सेंड कर रहा है वो सर्वर रहेगा, जो रिसीव कर रहा है फाइल को वो क्लाइंट रहेगा, या जिसने डिमांड किया वो क्लाइंट रहेगा और जो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर रहेगा. सो फाइल्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड आर स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड एज एफटीपी सर्वर. एंड टू एक्सेस दिस फाइल्स वी नीड अ एफटीपी क्लाइंट प्रोग्राम. Without that, we cannot use. So generally, intranet-based networks जो होते हैं, उसमें अगर हम एक ही location पे, एक ही FTP server पे अगर हम हमारा सारा data post कर रहे हैं, तो सारे clients के पास FTP client program रहेगा, जिसके through वो files access हो सकती है. Okay? Now there are certain basic steps if we wish to use file transfer protocol. First is connect to the FTP server. Then second, navigate file structure to find your file. And third is transfer the file. So here you will be doing copy and paste or download the file from the FTP server. Okay, depending upon the authoritical rights, you may change the or upload or modify the files, but in general sense you just connect to the concerned FTP server, you go through the structure of the files, and just look after locating your file you will transfer it to your system. Next is hyper
टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। सो आप लोगों ने ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा आपका कोई भी वेबसाइट का एड्रेस आप कैसे लिखते हो, HTTP, देन यू पुट कोलन, देन यू पुट 2 slash, एंड देन सपोज www.xyz.com। ओके, सो इस तरीके से आप वो वेब एड्रेस क्रिएट करते हो। सो ये क्या हो गया, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और इट इज गाइडेड और गवर्न्ड थ्रू हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो नाउ व्हाट इज दिस HTTP प्रोटोकॉल, विल सी इन डिटेल्स। HTTP is a set of rules that govern the transfer of hypertext between two or more programs. अब World Wide Web, WWW हमने देखा, it uses the universe of information that is available via HTTP. और ये जो HTTP में hypertext है, उसको भी कोड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म या एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज होता है, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यू कैन से HTML, ठीक है। तो HTML में डेवलप किए हुए या PHP या लाइकवाइज अभी तो बहुत सारे हैं, तो उसमें डेवलप किए हुए हाइपर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वेब से आपको वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपके सिस्टम पे थ्रू द ब्राउजर लोकेट करके देने का काम HTTP प्रोटोकॉल करता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें जो HTML कोड होते हैं, उन कोड्स में आप लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिक्स भी रहता है, इमेजेस भी रहते हैं, टेक्स्ट भी रहता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो HTTP इज अ क्लाइंट सर्वर, इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल विच अलाउस कंप्यूटर ए if it is client to establish connection with computer B, if it is server, and make a request, and if computer server computer B is in on state and is in workable state, you will get the answer. So when the server accepts the connection initiated by client and sends back responses, you see the answer is, or the resources can be accessed, or the files can be View. और अगर प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो समटाइम्स यू गेट सर्वर एरर, ओके, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, लाइकवाइज यू गेट द एरर। सो दैट मीन्स देर इज सर्टन बैरियर बिटवीन कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, द रिक्वेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर ए इज नॉट रीचिंग द कंप्यूटर बी। So an HTTP request identifies the resources that client is interested in and tells the server what action to take on those resources. Okay, that's why through HTTP protocol we can navigate the information being placed on computer B and work out like that. Next is Telnet protocol. Telnet protocol is a protocol that enables one computer to connect to another computer. It is also referred as remote login. Friends, you might have viewed certain programs like AnyDesk or TeamViewer. So what they do, they connect one computer to another computer through certain login credentials. So isme kya hota hai? Sitting physical locations of two computers may be at different places, but logical connection is established, and as if we are working on that other computer, it happens like that. Okay, so the user computer that initiates the connection is referred to as local computer or machine.
and the machine that accepts the connection is referred to as the remote or the host computer. So the remote computer can be physically located in the next room, next town, or other country. It can be placed anywhere. But through certain softwares, we can access that computer as if we are, it is on your own system. As well as you will find that the user's computer emulates the remote computer. Ek virtual look create hota hai ki as if aapka original aapka physical computer to rahega hi rahega, but aapka jo remote computer hai jisse aapne connection establish kiya hua hai, wo computer bhi aapko puri tarike se is tarike se accessible rahega as if it is your own computer. Okay, next is the commands type in user's computer are executed at remote computer also. Uska monitor aapke monitor ke upar display ho jata hai during that particular session. So telnet operates on client server principle and the local computer uses a client, telnet client program, and remote or host computer uses the telnet server program. Okay, some examples I have discussed. Now next is Gopher. Gopher is a protocol designed to search, retrieve and display documents from remote site on the internet. Like we say torrent or likewise. Okay, so in addition to document display, they generate the connections. They can contain files, directories, database or any of the other information. Okay. Next is WISE. WISE is Wide Area Information Service. In that internet search protocol, it uses Z39.50 standards, where it describes the protocol from computer to computer information retrieval. Again, it works on client server principle and it has the capability to reach and search more than one database. Okay. So these are the various protocols that we have seen. WISE is capable of simultaneously search in more than one database. Okay. And after search phase, the client interface user can choose which database should be used to complete the further search. Okay. So WISE is Wide Area Information Server. Okay.